तुम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? आप तो कह रहे थे कि कोई नहीं जा रहा है, पर अंतरा ने तो पापा की शर्ट भी रख ली। तुम किसके साथ जा रही हो अंतरा? पापा। कहीं नहीं जा रहा ना तुम ना ही पापा। तुम मेरी बेटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या बात है, आज हजूर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हें पता है 2 करोड़ कितने होते? नहीं पता, कितने होते? इतने कि कल को अगर मैं ना भी रहा तो भी मेरा परिवार अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। ये देखो, ये 2 करोड़ की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा आदित्य। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बीमारी ही तो है आदित्य, और आज की तारीख में तो हर तरह की बीमारी का इलाज है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जा भी नहीं सकते आदित्य, मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। संघर्ष ही तो है जो इंसान कर सकता है। वक्त बीतता गया, कुछ दर्द और कुछ खुशी के साथ, पर मौत और जिंदगी की इस लड़ाई में मैंने विद्या को हमेशा अपने साथ खड़ा पाया। ये मैं ही जानता था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा था। जिंदगी आगे बढ़कर एक बार फिर मेरा हाथ थाम लेगी, पर फिर खुद को अक्सर लाचार ही पाया। ये लम्हे शायद विद्या की जिंदगी के सबसे लंबे पल थे। इंतजार उसे बेचैन कर रहा था। अब इनके पास वक्त बहुत कम है, कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है। आई एम सॉरी, मेडिकली अब कुछ नहीं हो सकता।